इसका कारण जो है सीधे सीधे आरएसएस है। आरएसएस लगातार जो है अपनी नीतियाँ बनाती रही है, उन नीतियों को जो है ज़मीन पर ले आकर इम्प्लीमेंट करती रही है। वाल्मीकि समाज के ऊपर बहुजन समाज की पकड़ नहीं है। बहुजन समाज अगर कहें कि चमार समाज कह लें या बीएसपी पार्टी कह लें या जो है बामसेफ कह लें, इन लोगों की वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 90% पकड़ जो है आरएसएस की वाल्मीकि समाज के ऊपर है। तो पहली चीज़ तो यह है कि अब आरएसएस ने वाल्मीकि समाज के माइंड में क्या भरा है। नमस्कार, आप देख तो रहे हैं एनबी न्यूज़ आरएसएस 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर हम एक बात सुनते थे और किताबों में भी पढ़ते थे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में अपने पैर स्थापित करने के लिए कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जो नीतियां उनकी आने वाले समय में ऐसी रही कि उन्होंने अपना शासन तो लागू कर लिया लेकिन भारत के लोग हमेशा हमेशा के लिए बट गए। और साथियों, इसी कड़ी में एक कहावत भी कही जाती थी कि फूट डालो और राज करो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में फूट डालो राज करो की नीति का काम भारत की सत्ता पक्ष पार्टी और भारत की सुप्रीम कोर्ट करने का काम कर रही है। साथियों, देखने में ऐसा लगता है कि भारत की जो सत्ता पक्ष पार्टी है और जो सुप्रीम कोर्ट है, आज वो भारत की जनता के साथ में इस तरह से खिलवाड़ कर रही है कि मानो ये भारत के लोग ना होकर बल्कि विदेशी हैं। तो साथियों, जिस तरह से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण को लेकर एक फैसला आया और उस फैसले ने जिस तरह से बहुजन समाज के तमाम नेताओं से लेकर तमाम बुद्धिजीवी लोगों में एक हलचल पैदा कर दी और हमने देखा कि तमाम बहुजन समाज से आने वाले नेता अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। लेकिन साथियों, उसी कड़ी में हमने देखा कि बहुजन समाज का एक ऐसा तबका, एक ऐसी जाति जिसे कि हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, वो लोग जो आरक्षण SC ST एक्ट का है, उसका जो बंटवारा हुआ है कोटे में से, उसके समर्थन में है। और अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज के बहुत सारे लोगों ने और कुछ युवा नेताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय के पक्ष में एक प्रदर्शन किया। हम अक्सर नारा लगाते हैं कि वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। साथियों, एक इसके उल्ट नारा लगाएगी, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद। साथियों, जो SC ST का जो वर्गीकरण हुआ है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और उसके समर्थन के अंदर हम लोगों ने जो है इधर जंतर मंतर पर एक समर्थन के अंदर जो है धरना प्रदर्शन रखा था, जिसमें हरियाणा के टीम दिलीप कंडारा भाई यहाँ पहुंचे थे। जिस प्रकार से क्रीमी लेयर का भी जो प्रोविजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की जो लाइन है वो भी क्लियर कर दी है। तो क्रीमी लेयर का जो उद्देश्य है और ये जो कोटे में कोटे का जो उद्देश्य है, दोनों का उद्देश्य ये है कि अब तक जिस परिवार में IAS IPS बन गए, जिस प्रकार में कोई मंत्री बन गया, तो अब उसके बच्चे, उसके क्या नाम है, आने वाली पीढ़ियां ही IAS IPS बनती जा रही हैं, वही जज के जज बनते जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं ब्रेक दिया जाए और अब तक जो लोग संपन्न हो चुके हैं, अब संपन्नता जो है जो समाज का बिल्कुल दबा कुचला हिस्सा रह गया है, जिसके पास वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहाँ तक भी पहुँचाया जाए। ये नीयत तो जो है सुप्रीम कोर्ट की ठीक ठीक दिखाई देती है। चलो ठीक है, आपकी नीयत में हमें कोई खोट दिखाई नहीं देती, हमें भी मंजूर है, मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे इसमें कोई दोष दिखाई देता। लेकिन मुझे ये बताइए कि सरकार ने अभी तक जो निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं, जिनका जीवन यापन जो है बहुत कठिनतम परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे हैं जो है, तो उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की है? क्या सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए कोई मुफ्त शिक्षा के लिए कोई अभियान चलाया है? कोई उन्होंने जो संविधान में अभी तक जो शिक्षा का प्रावधान है मुफ्त शिक्षा का, वो केवल 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए है। अब 6 साल से 14 साल तक के बच्चे ही मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं, और उस शिक्षा का जो है स्टैंडर्ड कैसा है? क्या उस शिक्षा को प्राप्त करके, जो सरकार मुफ्त में शिक्षा दे रही है उस शिक्षा को प्राप्त करके, क्या वो उन लोगों को कॉम्पीट कर पाएंगे जो प्राइवेट स्कूल शिक्षा लेते हैं, जो ऐसे मतलब हाईफाई जो सुविधाओं में पल रहे हैं बढ़ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को जो है इस बात पर फोकस करने के बजाय, मैं ये समझता हूँ कि चलिए ठीक है, आपने इस बात पे फोकस कर लिया, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन आपने जो है अभी तक इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कि सरकार ने उन तबके के लोगों के लिए उच्चतम शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए हैं, उनको क्या सुविधा मुहैया कराई है। वो 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद उनको पढ़ाई कौन कराएगा? क्या 8वीं क्लास पास को आप IAS का नौकरी देने वाले हैं, IPS बनाने वाले हैं, जज बनाने वाले हैं, कलेक्टर बनाने वाले हैं? अगर आप 8वीं क्लास को अगर ये जॉब दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नीलम जी, इस निर्णय में जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखनी चाहिए, वो एक पक्ष जो कि अच्छा है, तारीफ करनी चाहिए, ये ठीक है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी ठीक है, कोटे में कोटे वाली बात भी ठीक है, क्योंकि ये जो लोग जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनका काम केवल चीखना चिल्लाना ही है। क्यों चीखना चिल्लाना है? क्योंकि कुछ लोगों को हाईलाइट होना है, कुछ लोगों को चमकना है, कुछ लोगों को नेता बनना है, कुछ लोगों को जो है राजनीति करनी है, ठीक है, और कुछ लोगों को जो है
नौकरियां ही पानी है। लेकिन सर जो इस तरह से आप बात करें, कुछ लोगों को नौकरियां पानी, कुछ लोगों को नेता बनना, कुछ लोग चिल्ला रहे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो कि एक हाईलाइट पर्सनैलिटी है, या मैं कहूंगी कि राष्ट्रीय पार्टी के भी अध्यक्ष, जैसे कि बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नकारा है। उन्होंने कहा कि एक भेदभाव की नीति है और एक तरह से देश में आपातकाल की घोषणा हो जाएगी अगर ऐसे ही हालात बने रहे। तो सर क्या लगता है, आप मतलब एक तरफ पक्ष की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मैं सहमत हूँ, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग भी इसकी कहीं ना कहीं मतलब आलोचना कर रहे हैं और सरकार के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट को तो घेरने का काम ही कर रहे हैं। देखिए नीलम जी, जहाँ तक बहन जी के स्टेटमेंट की बात है, उन्होंने कहा है कि ये समाज को बांटने की एक नीति है, षड्यंत्र है। इस बात को तो मैं भी कह रहा हूँ, ये जजमेंट जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जजमेंट जो है, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सरकार जिन लोगों की है, आरएसएस की, मनवादी की लोगों की सरकार है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर जो है ये समाज को तोड़ने का काम किया गया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन, लेकिन सर आपको लगता है नहीं, जिस तरह से पिछले 10-12 सालों को अगर हम सिनेरियो उठाकर देखें, जैसे बहुजन समाज में धीरे धीरे जागृति आ रही है, और खासकर अगर हम वाल्मीकि समाज की बात करें, तो वाल्मीकि समाज में भी ऐसे ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो कैडर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और वो समझा रहे हैं कि आप झाड़ू छोड़िए, और जो वाल्मीकि का प्रकरण एक तरह से आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, उनको उनका भगवान बताती है। तो आज वाल्मीकि समाज में ऐसे लोग भी है जो नकार रहे हैं कि अगर वाल्मीकि तुम्हारे ही समाज के होते तो वो कभी भी तुम्हारे हाथों में झाड़ू नहीं थमाते, तुमने झाड़ू पकड़े उनके हाथों में तो कलम थी। तो सर ये जिस तरह से डिसीजन रहा है, कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, कुछ इसके अगेंस्ट में जाके प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ इसके पक्ष में जाके प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो इन दोनों पहलू को सर किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये बंटवारे की राजनीति नहीं चल रही है? देखिए नीलम जी, जब इन लोगों को काम करना चाहिए तब ये लोग आराम से अपने घरों में बैठते हैं, लेकिन जो लोग आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आज खुशी मना रहे हैं, आप अगर उनके बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है सीधे सीधे आरएसएस है। आरएसएस लगातार जो है अपनी नीतियां बनाती रही है, उन नीतियों को जो है ज़मीन पर ले आकर इम्प्लीमेंट करती रही है। वाल्मीकि समाज के ऊपर बहुजन समाज की पकड़ नहीं है। बहुजन समाज अगर कहें कि चमार समाज कह लें, या बीएसपी पार्टी कह लें, या जो है बामसिफ कह लें, इन लोगों की वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 90% पकड़ जो है आरएसएस की वाल्मीकि समाज के ऊपर है। तो पहली चीज़ तो यह है कि अब आरएसएस ने वाल्मीकि समाज के माइंड में क्या भरा है। तो आरएसएस लगातार जो है ये काम करती रही है। आरएसएस ने जो है इन लोगों के भीतर जाकर इन लोगों के ही नेता पैदा किए, इन लोगों के जो नेता पैदा किए उनको लालच दिए, बहुत बड़े लालच दे रखे हैं, और उनके उनको जो है उनको टीच किया है कि आप अपने समाज में जाकर जो है अब ये बातें कहिए। तो उन्होंने, हमने लगातार ये बातें सुनी है समाज में, जो है वाल्मीकि समाज के मुँह से सुनी है, और वाल्मीकि समाज के जो चर्चित नेता हैं उनके मुँह से सुनी है। कई वाल्मीकि समाज के नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुलेआम अपनी जनसभाओं में, अपनी मीटिंग्स में वाल्मीकि समाज को ये कहा है कि चमार तुम्हारे हिस्से का आरक्षण खा रहे हैं, तुम कब इकट्ठे हो जाओगे? चमार लोग जो हैं मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और तुम लोग जो है अभी तक कुछ भी नहीं बने हो, कहीं पर भी नहीं हो, तुम्हारी नौकरियाँ भी नहीं हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं ये क्या नाम है, वाल्मीकि समाज की अपनी सोच नहीं है, ये सोच जो है आरएसएस उनके भीतर पैदा कर रही है और आरएसएस उनको दे रही है। तो लगातार कितने सालों से जो है ये समाज इस सोच के साथ में जीता आया है। अब एकदम से जब ये फैसला आया, और फैसला लाया गया है, फैसला जो है आरएसएस के द्वारा ये लाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है आरएसएस ने अब तक जो है अपने फेवर में इस्तेमाल किया, जब से केंद्र में बीजेपी सत्ता आई है। पहले आपने राम मंदिर देखा है कि राम मंदिर पर जो है किस प्रकार से सभी कानूनों को, संविधान को, सभी मर्यादाओं को, नैतिकता को दरकिनार करते हुए अंधविश्वास पाखंड को फैलाने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक तरफ धकेलते हुए वहां पर राम मंदिर का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकलवा दिया। तो इसी प्रकार से आरएसएस जो है इस देश में जो फूट डालो और राज करो इसकी नीति को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहता है। अब इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद दो समाज आपस में बटेंगे। मुख्य समाज जो है, जो आज तक गाली खाते आए हैं, चमार चूड़ा, भंगी चमार, यही गाली खाते आए हैं। मतलब सर गालियां एक साथ पड़ती है लेकिन आंदोलन एक साथ नहीं करते, एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी मूर्खता दिखाते हैं। दोनों ही मूर्ख हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। बेशक एक ने बहुत तरक्की कर ली है, एक बहुत बौद्धिक विकास कर चुका है, लेकिन मूर्खता जो है सबसे ज़्यादा उसकी मानी जाती है जिससे अकलमंदी की उम्मीद होती है, समझदार होता है। आज
अगर 21 अगस्त को आंदोलन करने जा रहे हैं और वहीं पर एक तरफ वाल्मीकि समाज जो है खुशी में मिठाइयां बांट रहा है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या विरोध करना चाहिए इस निर्णय का? और सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं तो वाल्मीकि समाज आपके विरोध में खड़ा है, सीधी सी बात है। अब समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी पहले ठहरेगा, रुकेगा, पहले जो है अपने भाइयों को जो अगर गलतफहमी का शिकार है, अगर आपको लगता है कि ये निर्णय गलत है तो उनको आप समझाइए, आपके भाई हैं ना मुझे, आप उनको समझाइए, पहले आपस में ही समझौता कीजिए, आपस में ही संगठन पैदा कीजिए, फिर उसके बाद निर्णय करिए कि हमें इस निर्णय का विरोध करना है या इस निर्णय का समर्थन करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस निर्णय का जो है आपको विरोध करना है और अगर आप अपने भाइयों को समझा पाते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है उनको भी साथ में लीजिए और अन्य जाति को साथ में लीजिए, एससी एसटी ओबीसी साथ में ले लीजिए, माइनॉरिटीज को साथ में ले लीजिए, आप एक बड़ा संगठन बनाकर, क्योंकि लगातार जो है कभी किसानों के ऊपर हमला होता है, कभी मुसलमानों के ऊपर हमला होता है, कभी बौद्धों के ऊपर हमला होता है, कभी एक विशेष जाति के ऊपर हमला होता है, तो लगातार जो है इनकी नीति तो यही है कि फूट डालो राज करो, जितना इनमें फूट डलेगी उतना ये कमज़ोर बनेंगे और जितना कमज़ोर बनेंगे जब मर्जी इनके ऊपर जब मारपीट कर दो, तो इनका तो हमेशा जो है यही क्या नाम है नीतियाँ रही हैं इनकी जो है। तो हमें इस बात को जो है बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होगा नीलम जी जो अपने हिस्से में से भी अपने भाई को अपने रिश्तेदार को पहले उन्हें खिलाए, बाद में अपनी सोचे। सर आप हिस्से में से खिलाने की बात कर रहे हैं और भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये समाज में बंटवारा हो रहा है, क्योंकि आज हम देखते हैं अगर प्रॉपर्टी का भी वाद विवाद छिड़ जाए, पैसों का वाद विवाद, संपत्ति का वाद विवाद छिड़ जाए, तो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है, लेकिन यहाँ तो सर दो तीन समाज खड़े हो गए हैं। और अभी हम देख रहे हैं इसी कड़ी में कई चीज़ें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो पक्ष के समर्थन में है और जो चमार जाटव हैं वो विपक्ष है, तो दो गुट बन गए हैं। तो सर मैं जाते जाते आपसे ये आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि इन दोनों समाजों को, क्योंकि अगर हम आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जो जाटव और चमार समाज है वो बहुत बड़े स्तर पर हर क्षेत्र में आंदोलन करता है, हर किसी के लिए आंदोलन करता है, और जब वो आंदोलन सफल होता है तो उसकी मलाई तमाम लोग खाते हैं। पिछले दिनों हमने जो एससी एसटी एक्ट है वो भी देखा था 2018 में, उसके बाद में कई ऐसे प्रकरण आए कि इस समाज ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए, देखते हुए, जब कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए, तब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकारें इनको अलग कर रही हैं। नीलम जी मुझे तो ये समझ में नहीं आया है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध किस लिए कर रहे हैं, क्या कहकर विरोध कर रहे हैं? जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि फूट डालने वाली बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा, सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ रही है कि आपने जो है इनकी शिक्षा के लिए अब तक क्या प्रबंध किए हैं, आपने इनको शिक्षित ही नहीं किया है तो इनको नौकरी में आने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये सब बातें तो नहीं पूछी हैं, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन जो कोटे का जो अभी निर्णय दिया है उसमें तो मुझे कोई खोट नजर नहीं आ रही है, और मैंने किसी को भी जो है इस बात में सिवाय इस बात के कि फूट डालने की बात है, तो फूट कैसे पड़ेगी, फूट आपकी बुद्धि से पड़नी है, आप अपने आप फूट डालने वाले हैं, ठीक है ना। सर मैं आखिरी सवाल ले रही थी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने कहा कि भाई मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही, लेकिन सर तमाम बुद्धिजीवी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से कोटे में कोटा जो एससी एसटी है उसके में मतलब डिवाइड कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और अगर यही जनरल में करे तो तब जाके बात बने, बराबरी क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट? देखिए अब यही अकलमंदी वाली बात है, जितने आप कह रहे हैं जिनको बुद्धिजीवी जो है, अब मुझे ये बताइए कि क्या जनरल क्लास पर जो है रिजर्वेशन लागू है क्या, बताइए आप मुझे। जनरल क्लास में जनरल क्लास की जो 50% जो सीटें हैं, क्या वहाँ पर जो 10% EVWS का जो वो है कोटा, उसके अलावा बाकी जो सीटें हैं क्या वहाँ पर कोई रिजर्वेशन है क्या किसी के लिए? सर जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जनरल में जैसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, और भी मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें डिवाइड क्यों नहीं कर रहे कि भाई 10 सीटें इसकी है 10 सीटें? नीलम जी यही बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझ में आ रही है या उनको समझ में आ रही है, जो 50% का जो कोटा है जिसको कोटा कह रहे हैं वो कोटा नहीं है, वो फ्री सीटें हैं। आप ये बताइए कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, क्या ये जो 50% जो सीटें हैं रिजर्व सीटें हैं एससी की एसटी की ओबीसी की यहाँ पर आके क्लेम कर सकते हैं क्या, बताइए आप मुझे, क्लेम कर सकते हैं क्या? लेकिन सर ये इसमें कितना बड़ा समाज है ये भी तो देखिए ना। मैं वही कह रहा हूँ, एक तरफ 85%, एक तरफ 15%। नीलम जी अगर उस 50% वाले अनरिजर्व को जो है जनरल क्लास को अगर मौका दिया जाए तो ये सारी सीटें इनकी खा जाएगा, अगर इनको खुला छोड़ दो यहाँ पर रिजर्वेशन अलाउ मत करो तो एससी का भी खा जाएगा, एसटी का भी खा जाएगा, ओबीसी का खा जाएगा। लेकिन क्या एससी एसटी ओबीसी के
अंदर ये मादा है कि 50 की खजाना सीटें गलती किसके इसमें नीलम जी, मुझे गलती किसके, बहुजन समाज क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने गले मान झाक के राजी नहीं है, अपने गले मान में ये झाकते नहीं है कि हमने पिछले 74-70 सालों में जो है हमने कितनी प्रगति की है, हमने कितनी जनरल क्लास की सीटों पर जो कब्जा किया है। अगर ये जो संपन्न वर्ग है जो फर्स्ट क्लास जॉब को प्राप्त कर चुका है, अगर यही इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, अगर जो अनरिजर्व क्लास की जो सीटें हैं अगर उनको क्लेम करती, तो मैं सोचता हूं कि 10-15% सीटें तो उनकी हम खा रहे होते। तो यानी 50% तो हमारे पास ये होता और 10-15% और आया था, लगभग 75% पे हम दावा ठोक रहे होते इस टाइम पे जो है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे को एक जो है बैसाखी पकड़ाई दी गई है और हम वो बैसाखी के आदि हो गए हैं। अब हम बैसाखी को छोड़ना चाहते नहीं है, अब हमारी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई हैं लेकिन बैसाखी की हमें आदत हो गई ना, कुएं के मेंढक बन गए। बिल्कुल 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 यही सब बात है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे अब तक एक भी बुद्धिजीवी नजर नहीं आया ऐसा कहते हुए कि हाँ जी बिल्कुल ठीक करा है, एक भी बुद्धिजीवी नजर नहीं आया कि जो कहता हो कि हाँ जी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन नहीं लूँगा। क्यों नहीं कह रहे भाई आप लोग जो है, आपके पास रुपया भी आ गया, पैसा भी आ गया, संपत्ति भी आ गई, अब आप जो है चाहे नौकरी आपके बच्चों को मिले ना मिले, लेकिन आपने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है कि वो प्रॉपर्टी के मार्फत जो है कभी गरीबी जीवन नहीं बताएंगे। लेकिन वहीं पर आपका समाज जो भूखों मर रहा है, मैं सभी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने फर्स्ट क्लास की जॉब हासिल की हैं, और सभी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ने काम नहीं किया है, बहुत से लोगों ने जो है अपने घरों से निकलकर अपनी तनख्वाहें भी दी हैं दान में जो है, और समाज के काम को आगे भी बढ़ाया है। लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है इसी क्लास में जिन्होंने एक क्लास की जॉब हासिल करी है, मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने जो है वो कुंडली मारकर बैठ गए जॉब्स पर जो है, अब उनके आने वाली जो सारी जनरेशन उन जॉब को लेने वाली हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से जो है, अगर जितना हम ईमानदार होंगे उतना ही हमारे अंदर जो है भाईचारा आएगा, जितना हम बेईमान होंगे, जितना हम स्वार्थी होंगे उतना ही हमारा भाईचारा टूटेगा। भाईचारा हमारी ईमानदारी से बनने वाला है। हमारा भाई जो है ना समझ है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारा भाई ना समझ है, दुश्मन की गिरफ्त में है, अंधविश्वास पाखंड की गिरफ्त में है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानता है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें इस देश में जो है सत्ता प्राप्त करनी है, हमें इस देश में नौकरी हासिल करनी है, हमें इस देश के प्रशासन पर कब्जा करना है। तो हमें ये नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से जो है इन सीटों को, जो अनरिजर्व सीटें हैं इनको हम कैसे अपने हाथ में लें। लेकिन सर आपको लगता नहीं है जिस तरह से ये बंटवारा हुआ है एक तरह से, ये जब हम देखते हैं कि जो भी मतलब SC की सीटें थी पहले, अगर मतलब कैंडिडेट नहीं मिलते थे जो कि एलिजिबल होते थे, तो उन सीटों को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो सर यही सवाल आज जो बहुजन समाज का एक तरह से जो जाटव चमार है वो यही मुद्दा बना रहा है कि आज जो वाल्मीकि समाज है वो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन की फील्ड में आगे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाह रहे। सर मुद्दा ये है क्योंकि जब वो झाड़ू नहीं छोड़ेंगे, एजुकेशन में नहीं आएंगे, तो जो कोटे में कोटा डिवाइड हुआ है, जो सीटें वाल्मीकि समाज के उसमें जाएंगी पक्ष में एक तरह से, तो वो सीटें भी कहीं ना कहीं NFS के तहत मतलब उधर कर दी जाएंगी। सर बेसिक लड़ाई जो जाटा समाज की है वो ये है। देखिए नीलम जी, जो इस निर्णय से जो कंसर्न निकल कर आए हैं, जो चिंता का विषय बने हैं, वो बिल्कुल साफ साफ मैंने जो है निकाल कर रख दिए हैं। पहला विषय कि फूट डालो शासन करो की नीति, दूसरा विषय कि सरकार ने अब तक इन लोगों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है, इनको आर्थिक सहायता कितनी उपलब्ध कराई है, तीसरी चीज़ NFS वाली जो है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि हमें सावधान रहना है, हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना है कि इसमें बुराई क्या है, उस बुराई को निकाल कर हमें प्रस्तुत करना है। जब हमें बुराई दिखाई देगी और हम ईमानदारी से बुराई पे फोकस करेंगे तो उस बुराई को हम जो है ख़त्म कराने का कामयाबी उसमें हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर हम जो है बिना बात की बात करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको तर्क पेश करना है, लॉजिकल तर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आप हवा में कुछ भी कह दो। आपने बस किया दिया कि भाई कोटे में कोटा मंजूर नहीं है जी, हमें इससे हमारी फूट पड़ जाएगी, ये कोई तरीका नहीं है। आपकी फूट आपको संभालो, लेकिन इस फूट के कारण कि फूट पड़ जाएगी इसलिए जो है किसी का अगर हक अधिकार छीन रहा है तो उसको उसके हक अधिकार से वंचित तो नहीं कर सकते, संवैधानिक अधिकार है। तो इसीलिए जो है जो कंसर्न है, पहला कंसर्न ये कि फूट डालो शासन करो, ये तो नीति आपको समझ में आ रही है, तो आपको अपने आप को सुरक्षा अपने आप खुद देनी है। आपको दुश्मन तो आपका चाह रहा है
कि आपके बीच में फूट पड़े, लेकिन आप उसको काउंटर करेंगे ये आपके ऊपर है। दूसरा कंसर्न ये कि आपकी एजुकेशन के लिए इन लोगों ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई सवाल या निशान नहीं लगाया है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो है NFS वाली जो नीति है मनुवादी सरकार की जो है उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी है कि वो NFS नहीं लगाएगी। सीटें जो हैं SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी के अंदर ही रिवॉल्व होंगी, उससे बाहर नहीं जाएंगी। इस तरह की व्यवस्था करे बगैर सुप्रीम कोर्ट ये जो डिसीजन दे रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को हम षड्यंत्र के तहत देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में, क्योंकि देखिए मुद्दा है बहुत ज्यादा गर्माया हुआ, हर बुद्धिजीवी व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा है, बारीकी से सोच रहा है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि खासकर अगर मैं जाटा चमार और वाल्मीकि समाज की बात करूं तो इनको एक बैठक करनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको बारीकी से समझना चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना आपके हित के लिए, कितना आपके अहित के लिए, तब जाकर आप कोई भी प्रदर्शन करें या आंदोलन करें या एक दूसरे के पक्ष या विपक्ष में उतरे। नीलम जी एक बात और है कि देखिए दुश्मन ने अपना संगठन बना रखा है, जब भी उनके बीच में कोई बात ऐसी बैठती है फूट डालने वाली बात जो है तो आपस में बैठकर कर सुलझा लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज का आज हम बात जो कह रहे हैं मिल बैठ के कहाँ मिलेंगे, कहाँ बैठेंगे, कोई संगठन नहीं है, कोई इनके ऊपर ऐसा कोई ताकत ही नहीं है जिसकी ये बात मान लें। तो सबसे पहले जो है आज बहुजन समाज को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके भीतर जो है सभी जातियाँ मिल बैठ कर बड़ी ईमानदारी से वहाँ पर चर्चा कर सकें। धम्मपद संघ का निर्माण हम लोगों ने किया है, उसका उद्देश्य यही है कि वो जो है सभी के साथ में न्याय करता है। आज अगर वाल्मीकि समाज भी इस संघ के भीतर आता है और वाल्मीकि समाज के साथ में कोई अन्याय होता है तो बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ उसमें जो है कि बिल्कुल न्याय ही होगा, अन्याय हो ही नहीं सकता, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के निजी विचारों का कोई महत्व ही नहीं है, केवल और केवल संघ के उद्देश्य को महत्व है। तो इसीलिए मैं समाज से जो है ये अपील भी करूँगा कि आप जितना भारी से भारी संख्या में धम्मपद संघ के सदस्य बने और धम्मपद संघ के भीतर आकर देखिए, जांच कीजिए, किसी एक व्यक्ति का संगठन या संघ नहीं है, ये सभी लोगों का है जो लोग उसमें होंगे, और किसी एक व्यक्ति का निजी विचार उसमें नहीं चलता है, संघ का निर्णय ही चलता है। इसलिए आज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही ईमानदारी से तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप इसमें आइए आज नहीं तो कल। कोई एक दो साल की योजना नहीं है ये, बल्कि सैकड़ों साल की योजना है। RSS को कम से कम 100 साल लगे हैं, हम उससे भी आगे की बात कर रहे हैं। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं कि आज हमें सत्ता चाहिए, आज हमें चाहिए, आज हमें कुछ नहीं चाहिए, आज हमें केवल ये संघ तैयार करना है, संगठन तैयार करना है। इसका रिजल्ट जो है आने वाले हो सकता है 50 साल में मिल सकता है, 100 साल में मिल सकता है, हो सकता है 500 साल बाद मिले, लेकिन इसका रिजल्ट जो है बड़ा बेहतरीन मिनिमल है।